Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif. And in this session we are going to do OpenOffice Calc computer quiz. Yes, in this session we are going to do computer quiz on OpenOffice Calc software. यानी spreadsheet software है ये और इस पर हम लोग आज क्विज करेंगे. ठीक है, इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है मैंने बुक से बनाया है और आपको आंसर करना. आंसर मैं नहीं बताऊँगा, है ना. यू हैव टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ कमेंट. कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे एंड आफ्टर 10 to 5 days आई विल अपलोड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्विज. अगर आप चैनल में, इफ़ यू आर न्यू इन चैनल, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें. सब्सक्राइब का बटन नीचे दिया हुआ है और बेल आइकन को प्रेस करके न्यू नोटिफिकेशन के लिए अपडेट कर लें. ठीक है, तो उसको प्रेस कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जितना भी शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म्स, एब्रिविएशंस जो भी होता है एंड डिफिनेशंस हो गया, टेक्निकल्स, जितना भी टेक्निकल नॉलेज होगा आपका कंप्यूटर से रिलेटेड, चाहे वो पाइथन का क्विज हो या ओपन ऑफिस कैल्क हो, ओपन ऑफिस राइटर हो. सून आई विल अपलोड ओपन ऑफिस राइटर कंप्यूटर क्विज, सून एंड सून, मे बी टुमारो आई विल अपलोड. तो इस तरह का क्विज़ से आपका नॉलेज गेन होगा चिल्ड्रेन. ठीक है, फाइल एक्सटेंशंस भी आप जरूर पढ़ें क्विज़ के लिए. अभी आपका ओलंपियाड एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी एक्सटेंशन पूछा गया था. तो इन सारे को देखते हुए हम लोग इस वीडियो को बना रहे हैं और कोई भी वीडियो जो आप देखते हैं टेक्निकल आसिफ में, वो आपका हेल्प करेगा आपके किसी भी एग्ज़ाम में. वो क्वेश्चन जितना भी क्विज़ में आता है, क्विज़ को अगर आप सुनोगे तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प इन योर एग्ज़ाम. ठीक है, ओपन ऑफिस कैल क्लास 5 के स्टूडेंट को भी है, 6 में तो पूरा दिया हुआ है, क्लास 9 में भी ओपन ऑफिस कैल्क है और क्लास 10 में भी ओपन ऑफिस कैल्क है. तो इसको आप लोग सब के लिए बेनिफिशियल है. इसको एक बार जरूर इसको आप लोग कोशिश करें, जब आपका फ्री टाइम हो तो यहाँ कमेंट में आके इसका आंसर करें और खुद से चेक करें कि आपने कितना सही आंसर किया. वेलकम अगेन, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट सिंबल स्टार्ट अ फॉर्मूला इन ओपन ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट. इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड ईजिएस्ट क्वेश्चन इन ओपन ऑफिस कैल्क, कि जब भी हम लोग फार्मूला स्टार्ट करते हैं कैल्क में तो कौन सा सिम्बॉल यूज करते हैं. देखिए, क्लास 10 में भी है, क्लास 9 में भी है, क्लास 6 में भी है, क्लास 5 में भी दिया हुआ है ये. तो आप इजिली इसका आंसर लिख सकते हैं. आप इसका आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख करके और जरूर बताएं एक एक करके. ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ सेल इज फॉर्म्ड इन ओपन ऑफिस कैल्क. अब सेल कैसे बनता है. आई थिंक 9, 6 के बच्चे, 10 के बच्चे, एवरी वन इज नोइंग कि सेल कैसे बनता है ओपन ऑफिस कैल्क. इट इज नॉट सेल, बायोलॉजिकल सेल नहीं कि सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. नो, इट इज अ ओपन ऑफिस कैल्क सेल. तो यहाँ पे सेल कैसे बनता है कि इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम से, रिफ्लेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम से, इंटरसेक्शन ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ से, रिफ्रैक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम से, कैसे सेल फॉर्म करता है, इसका आपको आंसर करना है. कमेंट में आप इसका आंसर लिखेंगे टू करके. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज ग्रिड इन कैल्क. कैल्क अगर आप देखते हो तो वहाँ पे आप ग्रिड देखते हो. ठीक है, तो उस ग्रिड को हम लोग क्या बोलते हैं. पैटर्न ऑफ क्रिस क्रॉस्ड बार्स, पैटर्न ऑफ लाइन्स, क्रिस्ट कॉस्ड हॉरिजॉन्टल बार्स या क्रिस्ट कॉस्ड वर्टिकल लाइंस, किसको हम लोग ग्रिड बोलते हैं. तो इसका आंसर आपको लिखना है, कमेंट में आप लिखें. फोर्थ, व्हाट डू यू मीन बाय चार्ट्स इन कैल्क. आप चार्ट पढ़ें कैल्क में, कैल्क में चार्ट क्या होता है ओपन ऑफिस कैल्क में, वेदर इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा या टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा या वाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर चूज करना है और कमेंट बॉक्स में आपको चिल्ड्रन लिखना है. यू विल डेफिनेटली गेन अ नॉलेज इफ यू परफॉर्म ऑफ यू गो फॉर दिस क्विज. चार क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, फोर्थ पे चलते हैं. ओपन ऑफिस कैल्क इज, ओपन ऑफिस कैल्क क्या है. एक फ्री सॉफ्टवेयर है या लाइसेंस सॉफ्टवेयर है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. ये भी इजिएस्ट क्वेश्चन है, क्लास 5 के बच्चे भी बचा सकते हैं, 6 भी बचा सकते हैं, 9 और 10 के सिलेबस में भी ये ओपन ऑफिस कैल्क 5, 6, 9, 10 के सिलेबस में दिया हुआ है. तो आप लोग तो डेफिनेटली इसका आंसर जरूर देंगे कमेंट बॉक्स में और यू विल सर्च कि आप फाइंड कि आप कितना सही किए हैं. ठीक है, ये 20 मार्क्स का एमसीक्यू है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द डिफॉल्ट नंबर ऑफ सीट्स इन ए वर्कबुक. ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर करें. कितना नंबर ऑफ सीट्स आप अगर वर्कबुक खोलते हो ओपन ऑफिस कैल्क, तो नीचे में देखते हो कितना नंबर ऑफ सीट्स आपका ओपन होता है, 3 की 2 की 4 की 1. इसका आंसर आपको देना है.
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। सेवन, व्हाट डज ब्लैक बॉक्स, अब देखिए ब्लैक बॉक्स क्या होता है, इंडिकेट्स इन कैल्क वर्कशीट। कैल्क के वर्कशीट पे जब आप किसी भी सेल पे क्लिक करते हैं तो एक ब्लैक बॉक्स हो जाता है ना। तो उस ब्लैक बॉक्स का क्या इंडिकेशन होता है, वेदर इट इज एन एक्टिव सेल बन जाता है या रिलेटिव सेल बन जाता है, एब्सोल्यूट सेल बन जाता है या करेंट सेल बन जाता है, तो इसका आपको आंसर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा कैन बी इंटर्ड इन कैल्क, जो सेल होता है ना ओपन ऑफिस कैल्क का जो सेल है उसमें कितना तरह का डेटा हम लोग इंटर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोग टेक्स्ट भी इंटर करते हैं, नंबर भी इंटर करते हैं, डेट टाइम भी करते हैं ना, तो इस तरह से बहुत सारा डेटा हम लोग इंटर कर सकते हैं सेल में। तो कितना, 5 तरह का, 7, 7 या 4 या 3, तो ये आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। चूज फाइल एक्सटेंशन टू सेव कैल्क वर्कबुक। अब कैल्क का वर्कबुक जब हम लोग सेव करते हैं तो उसका एक फाइल एक्सटेंशन होता है, जैसे ओपन ऑफिस राइटर का भी होता है, ओपन ऑफिस इंप्रेस का भी होता है, ओपन ऑफिस बेस का भी होता है, उसी तरह ओपन ऑफिस कैल्क का भी होता है। ठीक है, 9, 10 and 5, 6 के चिल्ड्रन आप आसानी से, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, ये भी इजी क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जिससे मुझे पता चले कि मेरे चिल्ड्रन लोग इतना आंसर जानते हैं। हो सकता है बहुत लोग का मैच कर जाए, तो आप जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है आप देंगे आंसर, तो आई विल मुझे समझ में आया कि मेरे चिल्ड्रन सीख रहे हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 10, चूज फाइल एक्सटेंशन टू सेव कैल्क वर्कबुक। यहाँ सेम वही क्वेश्चन हो गया है चिल्ड्रन, तो यहाँ पे आप लोग फिर से उसी आंसर को करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, सॉर्टिंग मीन्स, सॉर्टिंग का क्या मतलब, अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ड्रैगिंग डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, प्रोसेसिंग डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, या डिलीटिंग डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका आंसर आप लोग लिख के बताइए कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ए फॉर्मूला कैन कंटेन, जैसे ओपन ऑफिस कैल्क है तो उसमें फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला क्या क्या रखता है, क्या वो वैल्यूज रखता है, ऑपरेटर रखता है, सेल के एड्रेसेस को रखता है, एंड फंक्शंस को रखता है, या ऑल ऑफ द एबव, या ऑल द एबव रखता है, तो ये आपको लिखना है। तो ये क्लास सिक्स के बच्चे लोग तो ये डेफिनेटली विल आंसर, मुझे ऐसा लगता है सिक्स के बच्चे ज़्यादा मार्क्स लाएंगे, अपने से काउंट करके मुझे बताना कमेंट में कि कितना मार्क्स लाए हो। 13, चूज द करेक्ट फार्मूला इन कैल्क टू कैलकुलेट द फॉलोइंग। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे करेक्ट फार्मूला बताना है कैल्क में, क्या कैलकुलेट करना है आपको, ऐड करना A3 एंड D3 इन G1, है ना, मतलब G1 सेल में आपको एडिशन करना है A3 और D3 का, तो इसका करेक्ट आउटपुट क्या होगा, A2+D3, A4+D4 या A3+D3 या A2+D2। ये भी आसान क्वेश्चन है, अगर आप कंसीडर करोगे तो यू विल गेन द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए आपको सेल रेफरेंसिंग देखना होगा कि रोज और कॉलम कहाँ मिल रहा है, उस हिसाब से आपको चलना है। ठीक है, तो सेल रेफरेंसिंग आप देख लेंगे, मैंने क्लू दिया है। 14, चूज द करेक्ट फॉर द फॉलोइंग फॉर्मूला, इक्वल टू सम C7:G7, इसका ब्रैकेट क्लोज होगा चिल्ड्रन, मेरे से छूट गया है, वहाँ पे आप ब्रैकेट दे दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप ब्रैकेट दे देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो भी था, वट एवर, आई थिंक एक मिनट, ये इक्वल टू सम वाला था ना, यहाँ पे आप फॉर्मूला में ब्रैकेट दे देंगे। करंट स्लाइड हम लोग प्ले करते हैं। ठीक है, तो इसके इसका क्या मतलब होगा, इस फार्मूला का इक्वल टू C7+D7+E7+F7+G7 होगा, या C7+D5+E7+F7+G7 होगा, या C7+D7+E2+F7+G7 होगा, या C7+D7+E7+F6+G7 होगा। तो इसमें जो करेक्ट फार्मूला है आपको वो लिखना है, इसका क्या मतलब होगा इक्वल टू सम ये का मतलब। ठीक है, लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए चार्ट टाइप, इस कौन सा ऐसा है जो चार्ट का एक टाइप है। ओपन ऑफिस कैल्क अगर आप पढ़े होगे, 6 के बच्चे, 9 के बच्चे,
है ना, 10 के बच्चे, आप लोग भी पढ़े होंगे, तो आप देखेंगे कि चार्ट का टाइप्स होता है इसमें, क्या एरिया चार्ट टाइप है, बार चार्ट टाइप है, लाइन चार्ट टाइप है, ये ऑल ऑफ द एबव चार्ट टाइप है, क्या तीनों का तीनों चार्ट टाइप है। इसमें करेक्ट आंसर को आप जरूर कमेंट में लिख करके बताएंगे, ठीक है। यू विल लर्न समथिंग चिल्ड्रेन आप इसको करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, हाउ मेनी मैक्सिमम वर्कशीट इन स्प्रेड शीट डॉक्यूमेंट। अगर स्प्रेड शीट डॉक्यूमेंट की बात करें तो कितना मैक्सिमम वर्कशीट होता है कि स्प्रेड शीट के डॉक्यूमेंट पे, तो ये 3, 24 या 256 या 65 या 536 कितना होता है, इसका आप आंसर कमेंट में लिख करके बताएंगे चिल्ड्रन, ठीक है। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन 17, विच टाइप ऑफ वर्क डन बाय द डेटा मेनू ऑफ कैल्क। अब हम लोग को कैल्क में बोल रहा है इसमें से किस तरह का वर्क जो है डेटा मेनू जो होता है कैल्क का वो करता है, शॉर्टिंग करता है, फिल्टरिंग करता है, डिलीटिंग करता है, इंसर्टिंग करता है। शॉर्टिंग, फिल्टरिंग, डिलीटिंग, इंसर्टिंग का मीनिंग आपको पता करना होगा। अगर आपको मीनिंग पता होगा तो आप लिख सकते हैं शॉर्टिंग का डिफिनेशन, फिल्टरिंग का, डिलीटिंग का, इंसर्टिंग का क्या मतलब होता है, क्या ये ऑप्शन डेटा मेनू में रहता है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो डेटा मेनू में आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर आप कमेंट में लिखेंगे। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन 18, दिस इज द थर्ड लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, उसको जरूर सुन के जाइएगा, उस क्वेश्चन में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कुछ दिया है मैंने। व्हाट इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ ए स्प्रेड शीट। अगर स्प्रेड शीट की बात करें तो सबसे छोटा पार्ट एलिमेंट कौन सा होता है स्प्रेड में, क्या वो सेल होता है, क्या वो वर्कशीट होता है, या वो वर्कबुक होता है, या रोज एंड कॉलम्स होता है। अब ये आपका फाइनल एग्जाम में 5, 6, 9, 10 के बच्चे के लिए जो एग्ज़ाम इस तरह का क्वेश्चन रहता है उसको मैंने MCQ में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप इसको सुनिएगा इस वीडियो को तो यू विल लर्न समथिंग, आप सीखोगे और इससे आपको बेनिफिट मिलेगा एग्जाम। मैंने क्वेश्चन ऐसा लिखा है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको क्विज में मैंने कन्वर्ट किया ताकि आप कभी भी बैठो तो एक बार सुन लो तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आप आंसर जरूर करिए चिल्ड्रन, और आंसर करेक्ट आंसर मैं अपलोड कर दूंगा। मुझे तो लगता है आप ही में से कोई अपलोड कर देगा कमेंट के फॉर्म में राइट आंसर। अब देखते हैं वो 6 का बच्चा करके बोलता है या 5 का करता है या 9 का करता है या 10 का, ये कौन करके अपलोड करके कमेंट में एक साथ में सारा आंसर दे देता है, तो उसको मैं गुड, वेरी गुड, अच्छा मार्क्स दूंगा ऑनलाइन में, कमेंट में उसे गुड मार्क्स दूंगा। नेक्स्ट, टू रीनेम ए वर्कशीट। अगर आपको कोई वर्कशीट को रीनेम करना है तो व्हाट विल यू डू, तो आप क्या करोगे, क्लिक करोगे उसमें, डबल क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे छोड़ गया चलो, यहाँ डबल क्लिक होगा, थोड़ा सा देख लेंगे, डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, और या फिर ड्रैग करेंगे या राइट क्लिक। तो किसी भी वर्कशीट को अगर आपको रीनेम करना है तो उसके लिए आपको क्या ऑप्शन यूज करना होगा, ये आपको करना है। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, है ना। ये हम लोग अनदर क्वेश्चन देखते हैं एंटर करके, जो लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको करना चाहिए, वो भी आता है एग्जाम में, है ना। चलिए करके देखते हैं हम लोग, एंटर करते हैं। विच फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट टोटल इन ए वर्कशीट। अगर आपको टोटल निकालना है वर्कशीट का तो इसमें से कौन सा फंक्शन यूज करोगे, तो इसके लिए आप सारा एग्रीगेट फंक्शंस को पढ़िए, उसमें आपको मिल जाएगा कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जो टोटल को कैलकुलेट करता है। ये तो मुझे लगता है सारे के सारे स्टूडेंट करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जो हमारा टोटल कैलकुलेट करता है, वो एवरेज फंक्शन है, सम फंक्शन है, काउंट है, या मीन फंक्शन। तो इसका आंसर आप लोग जरूर करके बताएं, कमेंट में लिख के दिखाएं कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। एंड आई एम वेटिंग, मैं तो नाइट में ही वेट कर रहा हूँ कि कोई एक स्टूडेंट जो कमेंट में पूरा आंसर सही करके मुझे भेजे, देन आई विल गिव एक्सेलेंट मार्क्स, और वेरीफाई करें अपने आंसर को। अब देखते हैं कौन सा बच्चा, किस क्लास का बच्चा करता है, 5 का या 6 का या 9 का या 10 का, या कोई भी क्लास 7, 8, 9, 11, 12 कोई भी स्टूडेंट अगर करके देखता है तो मुझे देखना। लेकिन मेरे सिलेबस में 5, 6 और 9, 10 में ओपन ऑफिस कैल्क है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू स्टूडेंट कि आप उसको करके दिखाएं, ठीक है। और इस तरह का क्विज को आप जरूर सुने, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह का क्विज अगर आपको और चाहिए तो कमेंट में लिख के बताएं। नीचे में आपका एक बेल आइकन आ रहा है, और यहाँ पे कमेंट के लिए आपके पास
सिंबल आ चुका होगा यहाँ पे, आप इस पर ट्रैक टच करेंगे तो यू विल सब्सक्राइब माई चैनल, तो यहाँ से आप टच करके सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड नाइट।